हेलो दोस्तों, हमारे पास है आज क्रॉम्पटन का एक सीलिंग फैन जिसका मॉडल है सीब्लिस। आज इसकी हम अनबॉक्सिंग और फिटिंग कैसे करते हैं आज दिखाने वाले। ठीक है, उसको फिटिंग करने के लिए आपको लगेगा एक प्लायर, एक 10-11 का पाना, ठीक है, और एक स्क्रू ड्राइवर और एक टेस्टर, और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है वायर। ठीक है, बॉक्स कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो बॉक्स के ऊपर क्या क्या आता है हम बताते हैं। क्रॉम्पटन की एक बैजिंग है, हाई स्पीड 400 RPM का ये फैन है, और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है सीबलेस सीलिंग फैन। यहाँ पर आता है दोस्तों 1200 mm लस्टर ब्राउन इसका कलर है। ठीक है दोस्तों, बॉक्स के ऊपर आता है ये, बहुत सारे फीचर्स वगैरह आपको दिखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर करेक्शन रेसिस्टेंट कोटिंग ऑन ब्लेड्स बॉडी, डबल बॉल बेरिंग, यहाँ पर एरोडायनामिकली बैलेंस ब्लेड है, और साथ ही साथ यहाँ पर MRP लिखी गई है 1820 रुपये, और ये 1200 mm का आता है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कंज्यूमर केयर नंबर और काफ़ी सारी जानकारी। ठीक है, आपको बजाज की अगर अनबॉक्सिंग देखनी है, बजाज का भी सीलिंग फैन हमने अनबॉक्सिंग करके दिखा है आपको, वो आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। और दोस्तों इसको अगर खरीदना है तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। ठीक है, इसको करते हैं, चलो अनबॉक्सिंग करते हैं इसको। दोस्तों बॉक्स के अंदर कुछ यहाँ पर आपको कवर में लिखाई देगा, कुछ बहुत सारी इसकी फिटिंग की जानकारी है। अभी यही फिटिंग की जानकारी हम आपको प्रैक्टिकली देने वाले हैं। ठीक है, बॉक्स के अंदर आता है कंटेनर, आपको बता देता हूँ। ये है 9 इंच का रॉड, ये है इसकी रबर क्लैंप, और एक नट बोल्ट दिया गया है इसमें फिटिंग के लिए। यहाँ पर आती है कैनोपी, कुछ इस तरीके की कैनोपी दिखाई देगी दो, और साथ ही साथ आपको मिलेगा वारंटी कार्ड। ठीक है, 2 साल की इसकी वारंटी है ऑन होम सर्विस। ठीक है, मैं कंज्यूमर केयर का नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ, अगर कुछ क्रॉम्पटन के फैन में कुछ गड़बड़ी होती है या ख़राब वगैरह होता है तो आपको उसमें कॉल करके बताना है। ठीक है, कंप्लेंट दे देनी है। कुछ इस तरीके की अपनी कैनोपी आती है, यहाँ पर आता है 9 इंच का वो पाइप, और यहाँ पर दिए गए स्क्रू और फिटिंग्स के लिए यहाँ पर क्लैंप दिया गया है। ठीक है, और फैन कुछ इस तरीके आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक सी बॉडी है और डिज़ाइन है, ठीक है, रेगुलर है। दोस्तों ब्लेड्स खोलने की बारी है। दोस्तों हेवी क्वालिटी के ब्लेड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर कुछ डिज़ाइन से दिया गया है, ठीक है, ब्लेड्स को बेंड ना हो इसलिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो कोटिंग है कलर कोटिंग वो भी बहुत अच्छी दी गई है। तो दोस्तों फिटिंग करने का सही तरीका आज मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पहले है रॉड लीजिए, इसमें आपको यहाँ इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो ये नीचे के साइड में, और यहाँ से आपको गैप नज़र आएगा, और यहाँ पे जो है स्क्रू का होल आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये साइड नीचे रहती है और ये साइड ऊपर रहती है, तो आपको क्या करना है, सीधे इसमें आपको घुसा देना है पाइप, ठीक है, कैनोपी में। और ये जो नाम लिखा है क्रॉम्पटन लिखा है, ये ऊपर की साइड में रहता है, तो ये जो आप दिख रहे हैं इसमें कोई भी छेद नहीं है। ठीक है, तो ये ऊपर की साइड में रहेगा, तो इस तरीके का आपको पैकिंग कर लेना है। ठीक है, अभी जो है बात आती है अभी वायर की। ठीक है, वायर जो है या फ्लेक्सिबल कौन से वायर ले सकते हो आप, जिसमें 2 वायर आते हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल, नहीं तो कुछ इस तरीके का भी वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वायर ले लेना है आपको, इसमें आपको ऐसे कुछ इस तरीके का वायर आपको डाल देना है। ठीक है, वायर दोस्तों पूरा नीचे तक आना चाहिए। दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको वायर लगाना है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे 2 वायर आ चुके हैं। ठीक है, कैनोपी को कुछ इस तरीके का आपको ऊपर ढक देना है, और यहाँ से आपको वायर कुछ इस तरीके से आपको निकाल देने हैं। ये 2 वायर्स आपको निकाल देने हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है पूरा ये होल नीचे की साइड में रहेगा। ठीक है, और पहले तो ये आपको फिट कर देना है, कुछ इस तरीके से आपको फिटिंग कर लेनी है। नट है ये, इसमें डाल देना है, दोस्तों ये जो आपको नट दिख रहा है इसमें लगा देना है अपने को, और साथ साथ वॉशर अपने को डाल देना है यहाँ पर, और नट ऐसे कस देना है। ठीक है, आप वायर जो देख रहे हो
कुछ इस प्रकार से आपको बाहर निकल देने, और इतने ही वायर्स आपको निकालने हैं जितने के मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं निकालने हैं, नहीं तो यहाँ पे घिस सकते वायर, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको नट कस देना है और इसको प्लायर से अच्छे तरीके से कस देना है। दोस्तों ये सेफ्टी पिन आती है, ये लगाना ना भूलिए कुछ इस तरीके आपको दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आपको सेफ्टी पिन लगा देना है, और वायर जो है अभी मैं लगा दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इसका नट आपको लूज करना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर वायर आपको लगानी है कुछ इस तरीके से, आपको वायर कस देनी है। और ये दूसरा वायर कुछ इस तरीके से आपको थर्ड पॉइंट में बिठाना है। जो बीच में का है वो गैप वैसे ही रहने देने का, उसमें वायर नहीं लगती है और पॉइंट भी नहीं रहता है, वो दिखाई दे रहा है। 1, 2, 3 ये जो है वाइंडिंग के पॉइंट है, और ये 2 पॉइंट है जो फेज और ये न्यूट्रल यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ पर अगर कनेक्शन देंगे तो ये गलत है, यहाँ पर कनेक्शन नहीं देना है अपने को, ठीक है। कुछ इस तरीके की आपको फिटिंग देखने को मिल जाएगी, और कैप जो है कुछ इस तरीके से आपको ढक देना है। ये जो कैनोपी है वो पूरा ऐसा नीचे नहीं करनी है अपने को, आधा इंच का गैप यहाँ पर रख देना है, ताकि यहाँ पर नहीं घिसना चाहिए ये कैनोपी, ठीक है। और अभी बारी आती है ब्लेड लगाने की, कुछ इस तरीके से आपको तीनों ब्लेड लगा देने हैं। दोस्तों मैं जैसे दिख रहा हूँ वैसे ही आपको ब्लेड्स फिट करने हैं, उल्टा फिट नहीं करना है अपने को, सीधा ही फैन की हवा नीचे ही लगनी चाहिए ना कि ऊपर, ठीक है। पूरी यहाँ पर फिटिंग हो चुकी है, और ब्लेड को कुछ इस तरीके से आपको जोर से कसना है, एक भी नट लूज़ नहीं चाहिए, लूज़ नहीं चाहिए, खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ करेगा नहीं तो ब्लेड्स निकल भी सकते हैं, ठीक। दोस्तों अभी फ़ैन का जो 80% काम है वो हो चुका है, अभी जो है बारी आती है सीलिंग की। तो कुछ इस तरीके का आपको क्लैंप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका ए नट जो है, ए वाला नट आपको निकल देना है, और जो सीलिंग का हुक रहता है डी क्लैंप, कुछ इस तरीके से आपको पहले उसमें आपको डाल देना है, और कुछ इस तरीके से आपको ये फ़ैन उसमें कुछ ऐसे करके लगा देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये नट कुछ इस तरीके से आपको कस देना है, ये जो नट से आपको लगाने हैं कुछ इस तरीके से। और दोस्तों इसको भी हमको अच्छी तरीके से टाइट कर दें ताकि निकले नहीं, ठीक है। और ये जो वायर होते हैं ये आपको कनेक्ट करना है सीलिंग रोज में, सीलिंग मतलब ऊपर की साइड में, जो मैं फ़ोटो डाल दूँगा आपको कैसे लगाते उसका, ये फ़ोटो कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर कैप कुछ इस तरीके से आपको बिठा देनी है, और फैन लगाते समय पहली बात तो ये कुछ आपको कपड़ा वगैरह नहीं तो पन्नी वगैरह नीचे रख देनी है, ताकि फ़ैन घिसे नहीं, और कुछ इस तरीके से आपको फ़ैन फिटिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही इस वीडियो में, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, हमने पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताई है। और दोस्तों चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको आपके पास जल्दी से जल्द हो सके, ठीक है।